नमस्कार और आप देखें पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के पानी को 3 पौंड व 5 पौंड प्रणाली के उपचारित कर उसका उपयोग सिंचाई व अन्य कार्यों के लिए परियोजना और योजना बनाकर तीव्रता से कार्य करें। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि वैसे तो CII बहुत प्रकार से उद्योग जगत को, चाहे भारत सरकार के साथ चाहे प्रदेश सरकारों के साथ, जो एक जोड़ने का काम करती है और वो एक समन्वय का काम जिस प्रकार से करके, और हर प्रदेश और देश जैसे उद्योग जगत में, आर्थिक जगत में आगे बढ़ रहा है, उसमें CII की अपनी एक भूमिका है। तो आज के इस CII के वेब सेमिनार को आयोजित करने के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों ने इस का आयोजन किया है। वैसे तो आज के इस विषय में हरियाणा की ओर से मैं ये कहूँगा कि हमारे दिनेश दुआ जी ने और बी आर सिकरी जी ने हरियाणा का पक्ष एक प्रकार का पूरे रूप से रख दिया है। दोनों ही हमारे सज्जन हरियाणा की धरती से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो मुझे बातें कहनी चाहिए थी मेरे से पहले आप दोनों ने कह दी हैं, मैं उसके ऊपर पूरा मोहर लगाता हूँ, उसका समर्थन करता हूँ। जहाँ तक वर्तमान समय की बात मैं कहूँ तो कोरोना एक ऐसा समय पर आया है, एक संकट, एक महामारी को लेकर के आया है, एक चैलेंज के रूप में आया है। एंड ये कहा जाता है कि समटाइम्स चैलेंजेस ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज विद इट्सेल्फ। तो आज के इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख करके हमको आगे बढ़ने के लिए एक अवसर मिला है, इसका हमको उपयोग करना है। हमारी डायनेमिक लीडरशिप, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, और मैं तो बघेला जी को सुन रहा था, तो बघेला जी की बातचीत में मुझे प्रधानमंत्री जी की वो सारे विषय ध्यान में आ रहे थे। कुछ ना कुछ प्रभाव तो आखिर निश्चित रूप से होता ही है सन ऑफ द सॉयल के नाते से। तो बघेला जी ने जिस प्रकार से भारत सरकार के सारे विषय हमारे सामने रखे हैं, एक डायनेमिक लीडरशिप के नाते से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी जो एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का रखा, उसमें देश के अंदर क्या कुछ किया जा सकता है, विभिन्न जो सेक्टर्स हैं उनको लेकर के, हर सेक्टर, चाहे उसमें प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, टर्शरी सेक्टर है, सभी के अंदर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एक से एक चीज़ को बहुत बारीकी से आगे उन्होंने लिया। और हर एक प्रदेश को आह्वान भी किया है कि इसमें से अधिकतम कितना वो शेयर अपने यहाँ ले सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर का। हमने हरियाणा में तय किया है कि और कुछ नहीं तो उस टोटल का 10% शेयर हम हरियाणा में अवश्य उपयोग करेंगे। और जब हरियाणा में उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें उद्योग एक ऐसा विषय है कि जिसके अंदर बहुत स्कोप है। हालांकि हम हरियाणा एक एग्रीकल्चर स्टेट होने के नाते से देश में एक बहुत अपना अच्छा स्थान रखते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में भी हम पीछे नहीं हैं। अभी तक हमारे यहाँ बहुत प्रमुख इंडस्ट्री के नाते हम कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर्याप्त, जिसको कहना चाहिए, हमने प्रोग्रेस की है। IT उद्योग भी हमारे यहाँ गुरुग्राम के अंदर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आज देश और दुनिया में उद्योग के नाते भी आगे बढ़ेंगे तो IT उद्योग के बाद अगर कोई उद्योग आता है तो वो फार्मास्यूटिकल उद्योग ही आता है, दवा उद्योग ही आता है। लोगों को स्वास्थ्य की एक चिंता निश्चित रूप से अब होने लगी है, हेल्थ कॉन्शियस अब हर आदमी हो गया है। और वैसे भी कहा कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है आदमी की, उसमें रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, तो स्वास्थ्य भी जो है उसमें वन ऑफ द फैक्टर, और अब तो बहुत ज़्यादा कोरोना के इस कारण से बहुत एक महत्वपूर्ण विषय उभर करके आया है। हर व्यक्ति अब ये अपने स्वास्थ्य की चिंता करने लगा है, और जब स्वास्थ्य की चिंता करेगा तो निश्चित रूप से हेल्थ सर्विसेज में फार्मास्यूटिकल उद्योग, इसका अपना एक महत्व है। और इसको जब हम ध्यान करते हैं तो अभी जो आप लोगों ने जिस विषय के ऊपर चर्चा आज की है, बल्क ड्रग की योजना, और इस बल्क ड्रग की योजना में अभी तक, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें विदेश के ऊपर हम निर्भर होते थे, रॉ मटेरियल के ऊपर भी निर्भर होते थे, हालांकि दवाई हमारे यहाँ पहले भी कम नहीं बनती हैं, पर्याप्त बनती हैं, 50% ऑफ द शेयर ऑफ द वर्ल्ड, ये आज भी हम उसमें एक प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी अमेरिका जैसे देश का 40% की सप्लाई तो हमारे यहाँ से होती है, UK जैसे देश की 25% ड्रग की सप्लाई वो हमारे यहाँ से होती है, लेकिन क्या इसमें हम और आगे बढ़ करके
क्योंकि हमारे यहाँ कोई टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे जितने साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, इन सब बातों का जैसे बताया अभी, उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका हम उपयोग अपने यहाँ कर पाए, ये हमारे जो एसेट्स हैं इनका उपयोग हम कर पाए, इसके लिए जो योजना बनाई जा रही है उसके अंदर निश्चित रूप से हरियाणा में हम आगे बढ़ने के लिए अपने आप को ऑफर करते हैं। हरियाणा जितनी भी दिशाओं में आगे भले होगा, लेकिन स्कोप बहुत ज़्यादा है, और स्कोप के नाते से हम हर प्रकार के इन्वेस्टर को अपने यहाँ लाने के लिए तैयार हैं। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमारे यहाँ पर्याप्त इन्वेस्टमेंट, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हुई है, चाहे स्वदेश का अपने देश का कोई इन्वेस्टर है, चाहे बाहर का इन्वेस्टर है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हुआ है। पर्याप्त संख्या में लोगों को रोजगार भी दिया है, रोजगार के लिए देने के लिए शिक्षा ये हमारे यहाँ पर्याप्त है। जैसा बताया गया कि हमारे यहाँ 150 फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस ये यहाँ हैं, अगर केवल फार्मेसी की मैं बात करता हूँ तो, लेकिन बाकी जगह भी हमारे शिक्षा जगत में पर्याप्त एक स्कोप, एक हमने अपना काम किया है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो पर्याप्त हैं। साथ ही एजुकेशन के साथ साथ स्किलिंग का भी हमने एक बहुत बड़ा यानी पैमाना अपने यहाँ रखा है, अलग से स्किलिंग की एक यूनिवर्सिटी बनाई है, ताकि केवल शिक्षा के कारण से आगे चीज़ नहीं बढ़ती, बहुत सी चीज़ों की एक्स्ट्रा स्किलिंग ये भी नौजवान को ज़रूरत होती है, उसका हमने उद्योग जगत के साथ एक तालमेल समन्वय बैठा करके स्किलिंग का काम भी शुरू किया है, ताकि उद्योग जगत को किसी प्रकार की कोई कमी न आए। जो टेक्निकल है वो तो टेक्निकल के नाते आएंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल स्टाफ जो होता है उसको भी एक अच्छी स्किलिंग दे करके हम जो है उसको आगे करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक बल्क ट्रैक का जो ये पार्क का विषय आया है, हमने अपने यहाँ स्थान चयनित किया है। जैसा पानीपत की बात आई है, पानीपत में हमारे पास 750 एकड़ और 1000 एकड़, दो ऐसे प्लॉट एडज्वाइनिंग हैं 1750 एकड़, जिस भी सीमा तक आगे हमारी आवश्यकता होगी उस सीमा तक उसको हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। और जो भूमि का आवंटन है उसको दोनों मॉडल पर, फ्री होल्ड मॉडल पर भी हमने रखा है, लीज मॉडल पर भी रखा है। हम तो चाहेंगे कि क्योंकि इन्वेस्टर को या उद्योगपति को लीज मॉडल ज़्यादा पसंद आएगा, तो लीज मॉडल के नाते से हम उसमें ओपन एक प्रकार का हमारा सारा सिस्टम है, उसके अंदर उसका उपयोग वो कर सकते हैं। और भी जितने इंसेंटिव्स हैं, जितने इंसेंटिव्स हमारे अपने दायरे में होंगे या हमको सब्सिडी उसमें देनी होगी, वो सब इंसेंटिव्स भी हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आखिर उद्योग जगत से जहाँ आर्थिक मजबूती आती है, चाहे प्रदेश की है चाहे देश की है, वहीं रोजगार एक बड़ा विषय होता है, जो हर किसी प्रदेश को अपना एक दायित्व होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार अपने नौजवानों को दे सकें। हम रोजगार के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए और देश की आवश्यकता यानी देश अपने आप में तो आत्मनिर्भर होगा ही होगा, लेकिन ड्रग के इस सारे सेक्टर में हम दुनिया को एक सप्लाई जो है वो कर सकें, ताकि हमारे देश की प्रगति विज वर्ल्ड हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उस नाते से हम अपनी भूमिका पूरी निभाने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक उद्योग जगत के प्रॉस्परस होने की बात है, हरियाणा ने बहुत काम किए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। हमको पता होगा कि आज से 5 साल पहले हमारी रैंकिंग जो थी दैट वाज 14th, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर हमने जितने उसमें रिफॉर्म्स किए हैं, काम किए हैं, चाहे लेबर लॉज हैं, चाहे सर्टिफिकेशन है, क्लियरेंसेज हैं, या कितने प्रकार के लाइसेंसिंग है, उस सारे को हमने बहुत तरीके से सरलीकरण उसका किया है। और अब सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से, HEPC के माध्यम से हमने उसको 45 दिन के अंदर अंदर हर एक प्रकार की क्लियरेंस, हर एक प्रकार का सर्टिफिकेशन ये उनको मिलेगा। डीम्ड क्लियरेंसेज के भी हमने यहाँ प्रावधान किए हैं, कोई अड़चन किसी प्रकार की आने नहीं देंगे, ना कोई पावर कनेक्शन की, ना कोई पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की ओर से, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की ओर से, किसी भी डिपार्टमेंट से किसी प्रकार की कोई तकलीफ आने नहीं देंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अब हमने देश में 3rd rank प्राप्त कर लिया है, नाउ वी आर 3rd, और अभी तो मैं मानता हूँ कि अगर इस वर्ष ये कोरोना नहीं होता तो अभी जो मूल्यांकन इसका होता, इवेल्यूशन इसकी चल रही है, तो निश्चित रूप से मेरे मन में तो ये था कि 1st और 2nd में कहीं ना कहीं आ सकते हैं, लेकिन वो भविष्य के गर्भ में चीज़ें हैं। अभी हम 3rd position पर हैं, इन नॉर्थ इंडिया वी आर 1st, अगर 1st और 2nd देश भर में मानते हैं तो वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, नॉर्थ इंडिया में वी आर द 1st। इसलिए इस मामले में भी एक इन्वेस्टर का, उद्योगपति का जो प्रेफरेंशियल डेस्टिनेशन वो हरियाणा बना हुआ है।
हरियाणा के और भी कई अगर मैं विशेषताएं बताता हूं तो सबसे बड़ा तो राजधानी दिल्ली, इसको तीन ओर से यानी हरियाणा लगता है। हरियाणा और दिल्ली एक प्रकार से एक ऐसे दो इलाके हैं कि किसी प्रकार की कठिनाई राजधानी के साथ जुड़े हुए लोगों को कोई नहीं आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत है, तीन हमारे एयरपोर्ट्स हैं, नई दिल्ली एयरपोर्ट उसको तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इट इज़ मोर नियरर टू गुड़गांव देन टू दिल्ली। गुड़गांव आने में 15 मिनट लगते हैं एयरपोर्ट से, दिल्ली के किसी कोने में जाने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। एंड अगेन चंडीगढ़ इज़ आल्सो कैपिटल एयरपोर्ट हमारा, और तीसरा हिसार में हम अपने एयरपोर्ट को और एक प्रकार से उसको बहुत तेज़ी से उस पर काम कर रहे हैं। कार्गो का या एक डोमेस्टिक फ्लाइट्स का वो डेस्टिनेशन हिसार भी बन जाएगा। हमारे पास हिसार में भी ज़मीन पर्याप्त है, किसी और सेक्टर के नाते अगर कल को डेवलप करेंगे, हिसार के अंदर हमारे पास 4000 एकड़ जगह एक सिंगल चंक में हमारे पास है, तो इसलिए हिसार एयरपोर्ट और वो सारा उद्योग जगत का एक डेस्टिनेशन बनेगा, वो हम करेंगे। वैसे तो जैसे सीकरी जी ने बताया 22 के 22 जिले, इसके अंदर हमने एक एक क्लस्टर एक एक चीज़ का बनाने के लिए योजना बनाई है, ताकि हमारा जो अपना रॉ मटेरियल है, चाहे वो टेक्सटाइल के नाते से कपास का रॉ मटेरियल है, चाहे फूड प्रोसेसिंग के नाते से हमारे पास राइस है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ये सारी चीज़ें सरसों है, ये हमारे यहाँ हरियाणा में पर्याप्त होती हैं। ऐसा जहाँ रॉ मटेरियल भी हमारा अपना लगे, उसमें हमें बाहर से ना लाने की ज़रूरत पड़े, लेबर हमारी अपनी हो, टेक्निकल स्टाफ हमारा अपना हो, और जो सरकारी सहायता है उसको देने के लिए हम अपने आप में आर्थिक दृष्टि से भी हमारी मजबूती आज यानी संयोग से हम सारे देश में अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति के नाते से हरियाणा प्रांत का हमारा स्थान है। हमारे आसपास के पड़ोस के जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों से हम अच्छी स्थिति में हैं, हम किसी प्रकार का कोई सहायता या इंसेंटिव या ये सब उद्योग जगत को दे सकते हैं। और जहाँ तक पानीपत का ये स्थान है, एक सेंट्रल हरियाणा का ये स्थान है, जीटी रोड के ऊपर है, लगभग 1.5 घंटे में एयरपोर्ट से ये जुड़ा हुआ स्थान है, मात्र 80-85 किलोमीटर दिल्ली से पड़ता है, तो एयरपोर्ट से सीधा आप तो एक हाईवे केएमपी रोड के ऊपर एक मैं कहता हूँ फास्ट स्पीड से दिल्ली भी टच नहीं करना पड़ता है, दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले और हरियाणा से पानीपत पहुँच गए। जहाँ तक ये ट्रैफिक का रेलवे ट्रैफिक का विषय है, एक स्पेशल रेल कॉरिडोर पलवल से लेकर के और सोनीपत तक रेल कॉरिडोर बन रही है, उसमें चंडीगढ़ और गुरुग्राम और फरीदाबाद इनका जो कनेक्शन है वो इस रेल कॉरिडोर के माध्यम से, क्योंकि दिल्ली के अंदर से होकर के जाना बहुत कठिन पड़ता है, लेकिन बाहर से बाहर इसका भी रेल कॉरिडोर का एक सिस्टम बन रहा है। RRTS जो दिल्ली से एक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसका प्रोजेक्ट ये मंजूर हो गया है, जो पहले दिल्ली से पानीपत तक था, अब उसको एक्सटेंड कराया जाएगा करनाल तक, वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो ऐसा ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी 15 नेशनल हाईवेज, हरियाणा छोटा प्रदेश होने के नाते भी 15 नेशनल हाईवेज इसमें से गुजरते हैं, 4 जिसमें से सीधे सीधे कैपिटल में जाते हैं, तो ऐसे नेशनल हाईवेज हो, रेलवे हो, एयर हो, ये सारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हरियाणा का, ये एक बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस प्रकार से मान सकते हैं।